हेलो एवरीवन वेलकम टू फार्मर ऑक्स यूट्यूब चैनल फार्मर ऑक्स के यूट्यूब एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है सो इन टूडेज वीडियो लेक्चर वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट द बफ़र कैपेसिटी सो पीएच बफर बफर कैपेसिटीज उसके फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस मेजरमेंट ऑफ पी वगैरह टॉपिक्स को हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं एंड आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है बफर कैपेसिटी तो लेट स्टार्ट इन दिस लेक्चर So be updated with the pharma knowledge for that. Subscribe the channel and press on the bell icon and never miss any video of PharmaRox. Get the links in description box regarding the PharmaRox mobile applications in that test series, video lecture and study materials are available in our mobile applications. So available for Android application and also for Apple iPhone. Get the links in description box for Google Play Store and also for the App Store. So, you will find the subject wise, topic wise study material, video lecture, online test series, and printed study material on our mobile application. So, get this app on Android application as well as Apple iPhone App Store on App Store as well as the Android app on Google Play. सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल व्हाट इज द पीएच कि सबसे पहले बफर कैपेसिटी सीखने से पहले आपके पास नॉलेज होना चाहिए रिगार्डिंग द पीएच तो पीएच मतलब कि नेगेटिव लॉगेरिदम ऑफ द हाइड्रोजन आयन कि समझो कि मैं पीएच के बारे में यहाँ पे लिखता हूँ नेगेटिव के लिए माइनस लिख लेता हूँ लॉगेरिदम के लिए लॉग और किसका है तो एच प्लस तो पी एच इज इक्वल टू का माइनस लॉग ऑफ एच प्लस जो है बिटवीन जीरो से लेकर फोर्टीन के बीच में तो लॉग एच प्लस या फिर एच थ्री ओ प्लस लिखो दोनों सेम ही है तो ये है सबसे पहले पी एच नेक्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ पी एच पी एच स्केल क्या है तो जो जीरो से लेकर फोर्टीन तक का जो स्केल है उसको हम कहते हैं पी एच स्केल कि जिसके अंदर जब आप लोअर वैल्यूज़ की ओर जाते हैं सेवन से तो वो बन जाते हैं एसिडिक एंड हायर वैल्यूज की ओर जब हम जाते हैं सेवन से लेकर तो वो होते हैं अल्कलाइन और जो सेंट्रल पॉइंट जो हम कहते हैं सेवन इट इज ए न्यूट्रल पीएच तो किसी भी सब्सटेंस या किसी भी सॉल्यूशन की एसिडिटी या फिर बेसिसिटी कन्फर्म करता है ये पी एच फिर हमने सीखा बफर कि बफर इज तो ऐसे सॉल्यूशन है कि जो क्या करते हैं रेजिस्ट दी एच रेजिस्ट द पी कि जब किसी सॉल्यूशन की पी हमें मेंटेन रखनी है कि लाइक आप कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन बना रहे हैं कि लाइक मैं बना रहा हूँ कोई ऑप्थाल्मिक प्रिपरेशन कि सपोज आई एम मेकिंग ऑप्थाल्मिक प्रिपरेशन कि जो समझो कि आई ड्रॉप्स में बना रहा हो या फिर मैंने ईयर ड्रॉप्स डिज़ाइन किया है प्लस समझो कि टॉपिकल कोई प्रिपरेशंस बनानी बनाई है तो जो हमारे बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स से पार्ट से उसकी जो पीएच है उसकी पीएच के साथ क्या हो जाए आइसोटोनिक हो जाए ऐसे जब हमें सॉल्यूशंस बनाने हैं कि आई ड्रॉप्स तो वो आइसोटोनिक होनी चाहिए विथ आवर रिलैक्रीमल फ्लूइड्स ऐसे ही जो ईयर ड्रॉप्स है तो ईयर की कैविटी के अंदर जो फ्लूइड्स रहता है उसके साथ या फिर अंदर की जो ईयर के जो इनर स्किन है उसकी पीएच के साथ प्रॉपर आइसोटोनिक हो जाए ऐसे ईयर ड्रॉप्स होने चाहिए ऐसे ही जो टॉपिकल प्रिपरेशंस की जो स्किन की पीएच के साथ अच्छे से क्या हो जाए मैच हो जाए कि जिससे आपको स्किन ऊपर किसी भी तरह से डिस्कम्फर्ट ना हो इरिटेशन ना हो तो पीएच चेंज ना हो टू रेजिस्ट द पी एच चेंज टू रेजिस्ट द पी एच चेंज तो हम ये बफर सोल्यूशंस अलग अलग फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस के अंदर एड करते हैं या फिर किसी भी केमिस्ट्री के अंदर भी आपको कहीं भी कि जब पी एच मेंटेन रखनी हो किसी भी सोल्यूशन की तो उसके लिए ये हम बफर्स यूज करते हैं तो बफर सॉल्यूशन इज ए सॉल्यूशन विच रेजिस्ट इन पी एच वेन अ सॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेजिस एडेड कि जब किसी भी सॉल्यूशन के अंदर एसिड ऐड करें हम या फिर बेज ऐड करें फिर भी उसकी जो पी एच है पी एच विल नॉट चेंज पी एच विल नॉट चेंज इवन आफ्टर द एडिशन ऑफ एसिड और बेज इन दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन तो ये हमारा सबसे बड़ा बेनिफिट हो जाएगा आफ्टर एडिसन ऑफ दिस टाइप ऑफ बफर सॉल्यूशंस तो बफर सॉल्यूशन इज एन एक्स सॉल्यूशन कंसिस्टिंग ऑफ अ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस कि बफर्स के बारे में हमने और ज्यादा डिटेल में प्रीवियस लेक्चर में सीखा था जिसकी लिंक आपको आई बटन पर क्लिक करके मिल जाएगी कि यहाँ पे जो आई बटन होता है कि यहाँ पे ये यह जगह पे आप टच करोगे तो यहाँ पे आपको एक आई बटन मिलेगा वो आई बटन पे जब आप क्लिक करोगे तो जितने भी पीएच बफर उसके मेजरमेंट्स रिलेटेड जितने भी लेक्चर्स से वो सभी के लिंक्स आपको वहीं से मिल जाएगी ऑल्सो यू कैन चेक द डिस्क्रिप्सन बॉक्स तो बफर कैपेसिटी क्या है कि बफर कैपेसिटी मतलब कि जब हमें पीएच चेंज करनी है किसी भी सॉल्यूशन के बाय वन तो उसके लिए जो हमें मोल्स लगेंगे एसिड और बेस के टू चेंज द पी एच ऑफ सॉल्यूशन बाय वन डिवाइडेड बाय द पी एच चेंज एंड द वॉल्यूम ऑफ बफर्स इन लीटर तो उसको जो हम कहते हैं बफर कैपेसिटी तो बफर कैपेसिटी इज इज डिफाइन एज द मोल्स ऑफ एन एसिड और बेस कि एसिड और बेस के जो मोल्स है उसको हम डिवाइड करते हैं इस एसिड और बेस की जो इसकी क्वांटिटी रिक्वायरमेंट है मोल्स ऑफ एन एसिड और बेस नेसेसरी टू चेंज द पीएच ऑफ सॉल्यूशन वन जिसको हम डिवाइड करेंगे बाय पीएच चेंज एंड द वॉल्यूम ऑफ बफर सीन लीटर तो फॉर्मूला के तौर पे हम उसको हम डिटेल में अब चेक करते हैं तो फार्मूला के तौर से हम इसको इजीली समझ सकते हैं कि बफर कैपेसिटी तो ये वाली फार्मूला जो है उसके ऊपर आप पहले तो ध्यान रखो कि ये जो फार्मूला है वो फुलफिल करती है हमारे मेन डेफिनेशन क्योंकि बफर कैपेसिटी बफर कैपेसिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ओ एच और एचथीओप्रस इज एडेड टू चेंज द पी एच टू चेंज द पी एच ऑफ सॉल्यूशन बाय वन जिसको हम डिवाइड करते हैं कि यह है नीचे डिवाइड करते हैं बाय द पी एच चेंज जो पी एच चेंज है उसको मैं समझो कि डेल्टा पी एच लिखता हूँ तो ये डेल्टा पी एच वॉल्यूम ऑफ बफर इन लीटर की जो भी वॉल्यूम है बफर का कि वन लीटर है तो समझो कि मैं लिखता हूँ ये वन लीटर तो इस तरह से है बफर कैपेसिटी के बफर कैपेसिटी बीटा इज इक्वल टू तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ओ एच माइनस और एच थ्री ओ प्लस तो समझो कि एसिड है तो मैं लिख लेता हूँ डेल्टा ए और बेज है तो स्लैश या फिर और करके मैं लिखता हूँ डेल्टा बी और जो पीएच चेंज हो रही है वो डेल्टा पीएच और वन है समझो कि तो वन तो रिजल्टिंग बीटा क्या बनेगा बीटा इज इक्वल टू डेल्टा ए और डिवाइडेड बाय डेल्टा पी एच और दूसरे वर्ड में लिखें तो बीटा इज इक्वल टू डेल्टा बी डिवाइडेड बाय डेल्टा पी एच तो नंबर ऑफ मोल्स रिक्वायर या फिर नॉर्मल ऑफ एसिड के लिए ए या बी भी लिख सकते हैं कि मोल्स ऑफ एसिड है तो उसके लिए ए लिखो या फिर बेस के जो मोल्स है उसके लिए आप बी लिख सकते हैं तो इस तरह से सिंपल फर्स्ट ये वाली फॉर्मूला याद रखनी है जिससे आपको सिंपल बफर कैपेसिटी का जो इक्वेशन है वो याद रखना है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जामिनेशन पर्पज ऑल्सो मोस्ट आई एम पी यहाँ पर हम लिख सकते हैं दिस इज द मोस्ट आई एम पी के बफर कैपेसिटी का जो इक्वेशन है वो डेफिनेशन से मैच करके आपको अच्छे से इस तरह से लिखना है कि बफर कैपेसिटी यहाँ पे बीटा नंबर ऑफ मोल्स डिफाइन एज द मोल्स ऑफ एन एसिड और बेस नेसेसरी टू चेंज द पी एच ऑफ सॉल्यूशन बाय वन डिवाइडेड बाय द पी एच चेंज यहाँ से डिवाइड किया पी एच चेंज एंड वॉल्यूम ऑफ द बफर्स इन ए लीटर कि जैसे कि आपके पास ये कॉन्सेंट्रेटेड बफर है और यह है डायल्यूट बफर तो अ कॉन्सेंट्रेटेड बफर कैन न्यूट्रलाइज़ मोर एडेड एसिड और बेस देन डायल्यूट बफर तो वो हो जाती है उसकी कैपेसिटी कि बफर की कैपेसिटी कितनी है कि कितना एसिड और कितने बेस को वो न्यूट्रलाइज कर सकता है और जब उसकी कैपेसिटी ओवर हो जाती है तो उसके बाद वो पी को रेजिस्ट नहीं कर सकते हो तो ये बफर कैपेसिटी इसीलिए हम फाइंड आउट करते हैं कि जिससे जो भी बफर है उसकी कैपेसिटी पलता चल जाती है टू न्यूट्रलाइज़ द एसिड और बेस व्हेन दे आर एडेड इनटू दैट पर्टिकुलर बफर तो जब आपका बफर काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड होता है तो उसकी कैपेसिटी हमें अच्छी मिलती है बिकॉज़ उसके लिए आपको ज़्यादा एसिड और बेस लगेंगे टू चेंज इट्स पी एच और डायल्यूट बफर होगा तो वो जल्दी से उसकी आप पी एच चेंज कर सकोगे तो बेटर है कि आप कॉन्सनट्रेटेड बफर ही प्रीफर करें कि जिससे आपकी जो प्रिपरेशन से उसकी पी एच लंबे समय की तरह मेंटेन रहे एक और तरीके से समझते हैं बफर कैपेसिटी हो कि इट इज ऑल्सो रिफर एज अ बफर इंडेक्स भी उसको कहा जाता है बफर वैल्यू बफर एफिशिएंसी और बफर को एफिशियंट की एक तरह की कैपेसिटी है हमारे बफर सॉल्यूशन की कि रेजिस्ट जो करता है पीएच को तो वो कितनी पीएच तक वो रेजिस्ट करेगा वो एक टाइप की वो हो जाती है उसकी कैपेसिटी तो बफर कैपेसिटी रिप्रेजेंटेड बाय बीटा एंड इट मे आल्सो डिफाइन एस द रेशियो ऑफ इंक्रीमेंट मतलब कि अमाउंट एडेड ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस टू स्मॉल चेंज इन पी एच ब्रॉट अबाउट बाय दिस एडिसन कि जब समझो कि मैं एक डायग्राम से आपको इजीली समझाता हूँ ये वाला पॉइंट तो उसके पहले हम ये इंक का कलर चेंज कर लेते हैं ग्रीन कर लेते हैं तब तो ये समझिए आप कि द रेशियो ऑफ इंक्रीमेंट मतलब कि अमाउंट एडेड तो ये है मेरे पास ये सॉल्यूशन तो बीकर के अंदर मेरे पास है ये बफर सॉल्यूशन यहां तक फिल किया हुआ है और समझो कि वो है वन थाउजेंड एम एल वन थाउजेंड दूसरे वर्ड में कहे तो वन लीटर जितना है अब ये जो है मेरा बफर सॉल्यूशन है तो डेफिनेशन को समझो आप अच्छे से अ ऑफ इंक्रीमेंट अमाउंट एडेड ऑफ स्ट्रोंग एसिड और बेस अब समझो कि इसके अंदर मैं ऐड करता हूँ एसिड तो एसिड के लिए हम ब्लू वाले इंक से चलो लिखते हैं तो इसके अंदर मैं ऐड कर रहा हूं कोई एसिड तो एसिड ऐड करता हो इसके अंदर कि एडिशन ऑफ एसिड एसिड इज एडेड इन बफर कब ये बफर के अंदर में एसिड को ऐड कर रहा हूं क्यों ऐड कर रहा हूँ टू द स्मॉल चेंज इन पीएच तो अब क्या होगा कि समझो कि ये बफर के अंदर एसिड ऐड करने के बाद चेंज होती है पीएच चेंज इन पीएच और जो चेंज होती है पीएच उसको मैं कह देता हूँ डेल्टा पीएच ब्रॉट बाई दिस एडिशन की जब यह मेरे पास बफर बना हुआ है ऑलरेडी वन लीटर उसकी माइनर पी एच चेंज करने के लिए जो मैं एसिड एड कर रहा हूँ और या फिर बेज एड कर रहा हूँ टू चेंज द पी एच ऑफ दिस बफर सोल्यूशन तो वो जो मुझे रेसियो मिलेगा वो हो गया मेरा बफर कैपेसिटी तो ये फार्मूला के तौर से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बीटा कि जो बफर कैपेसिटी तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बीटा इज़ बफर कैपेसिटी डेल्टा आई और डेल्टा बी रिप्रेजेंट द स्मॉल इंक्रीमेंट और अमाउंट एडेड ऑफ एसिड और बेस इन ए मोल एंड डेल्टा पीएच मतलब कि पीएच चेंज तो इस तरह से सिंपली आप ये इक्वेशंस को सीख सकते हैं कि जब आपके पास ऑलरेडी बना हुआ कोई बफर है और उसकी पी को चेंज करने के लिए जो हम एडिशन करते हैं एसिड या बेस का तो उसका जो हम रेशियो निकालते हैं वो हो जाएगा बफर कैपेसिटी और उसकी ची uh, चेंज के साथ वॉल्यूम तो हम ऐड करते हैं बट वॉल्यूम समझो कि वन लीटर है तो ये रेशियो जो है वो एज इट इज़ रहेगा तो जो हमने प्रीवियस स्लाइड के अंदर सीखा और ये वाली स्लाइड दोनों को आपको अच्छे से तैयार करनी है रिगार्डिंग द बफर कैपेसिटी तो बफर कैपेसिटी एक कब होगी कि डेल्टा ए और डेल्टा बी रिप्रेजेंट द स्मॉल इंक्रीमेंट इन ग्राम इक्विवेलेंस लीटर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रोंग बेस एडेड की ये जो हमने रही फॉर्मूला है जिसके अंदर डेल्टा बी और डेल्टा बी प्लस जो पीएच चेंज होती है उसको हमने ऑलरेडी कहा है डेल्टा पीएच और बफर कैपेसिटी का हमने डिनोटेड किया है एज अ बीटा तो अकॉर्डिंग टू द अबो हैज सोल्यूशन बफर कैपेसिटी वन बफर कैपेसिटी कब होगी कि जब वन लीटर ऑफ इट रिक्वायर वन ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रांग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस्ड टू चेंज द पी एच यूनिट कि समझो कि बीटा कब वन होगा कि यहां पे मेरे पास बीटा है तो डेल्टा और डेल्टा बी की वैल्यू समझो की है वन की वन लीटर ऑफ इट रिक्वायर्स वन ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड तो मैंने यूज किया है वन ग्राम इक्विवेलेंट जितना एसिड अब उसको मैं डिवाइड करता हूं बाय पीएच चेंज कि चीएच चेंज हुई है मेरी वन और वॉल्यूम भी मेरा है साथ में वन लीटर तो रिजल्टिंग लास्ट में क्या होगा कि वन डिवाइडेड बाय वन तो उसका जो आंसर आएगा वो भी रहेगा वन तो बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा वन और उस वक्त हम कहेंगे कि हमारे जो सॉल्यूशन है उसकी बफर कैपेसिटी है वन सो स्मॉलर पीएच चेंज इन ए सोल्यूशन अपॉन द एडिशन ऑफ एन एसिड और बेस ग्रेटर इज द बफर कैपेसिटी एंड वाइस वर्सा तो ये वाला सेंटेंस जो हमने देखा वो आपके लिए एक पिन पॉइंट बन सकता है ये दिस सॉल ये वाला पॉइंट दिस इज द पिन पॉइंट फॉर एम सी क्यू कि ये वाला पॉइंट आप अच्छे से माइंड में फिक्स कर लो प्राइम इंपॉर्टेंट बन सकता है आपके लिए अपकमिंग जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है कि स्मॉलर द चेंज इन पी एच स्मॉलर दी एच चेंज इन सॉल्यूशन अपन द एडिशन ऑफ एसिड और बेस ये वाला पॉइंट मक लो ग्रेटर इज द बफर कैपेसिटी एंड उससे आप रिवर्स भी सोच सकते कि स्मॉलर की जगह समझो कि ग्रेटर ले ग्रेटर द पीएच चेंज इन सॉल्यूशन अपन द एडिशन ऑफ एसिड और बेस स्मॉलर दफर कैपेसिटी तो यहाँ से आपको एम सी क्यू पूछ सकते हैं वो लग पी क्यू आर एस पैटर्न वाला या फिर जो एसरेसन रीजन टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं या फिर फाइंड आउट द फॉल्स और ट्रू रिगार्डिंग द बफर कैपेसिटी तो वो टाइप का जो क्वेश्चन यहाँ से जो है वो निकल सकता है तो आप जानते हैं एप्लीकेशंस क्या है ये बफर्स की इन अ वेरियस फार्मास्यूटिकल सिस्टम तो बफर्स आर वाइडली यूज इन द फील्ड ऑफ फार्मेसी एज ए इंग्रेडिएंट इन मोस्ट ऑफ द फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन के बहुत सारे ऐसे फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन से कि जिसके अंदर हम बफर्स ऐड करते हैं और उसके रीजंस क्या है वो हम आगे जानते हैं इन ऑर्डर टू एडजस्ट द पीएच ऑफ प्रोडक्ट टू दैट रिक्वायर फॉर मैक्सिमम स्टेबिलिटी कि जब हमें हमारे जितने भी फार्मास्यूटिकल के अलग अलग डोजेस फॉर्म है और उसमें भी जो लिक्विड डोजिस फॉर्म होते हैं वो एज वेल एज सेमी सॉलिड सेमी सॉलिड और लिक्विड डोजिस फॉर्म कि जिनकी स्टेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए हम बफर्स जो है वो उसके अंदर ऐड करते हैं कि जिसके कारण लॉन्ग टाइम तक वो स्टेबल रहे एज वेल एज़ जो जो भी बॉडी के पार्ट पे उसको आपको अप्लाई करना है उसकी जो फिजियोलॉजिकल पीएच pH के साथ हमारी प्रोडक्ट भी क्या हो जाए अच्छे से मैच हो जाए तो उसी को जानते हैं सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ बफर्स इन बायोलॉजिकल सिस्टम सो द पीएच ऑफ ब्लड इज मेंटेन इज एट अबाउट सेवन पॉइंट फोर बाय टू बफर सिस्टम्स दैट आर के हमारी बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर जो हमारा ब्लड है तो ब्लड की जो पीएच है वो हम कंसिडर करते हैं नियर बाय सेवन पॉइंट फोर तो ब्लड की पी एच है सेवन पॉइंट फोर तो पी एच ऑफ ब्लड इज मैंटेन एट अबाउट सेवन पॉइंट फोर बाय टू बफर सिस्टम दैट आर प्राइमरी बफर्स प्राइमरी बफर्स दीज आर प्रेजेंट इन अवर ब्लड प्लाज्मा क्या हमारे ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा होते हैं उसके अंदर प्राइमरी बफर्स प्रेजेंट होते हैं द प्लाज्मा कंटेंट द कार्बोनिक एसिड कार्बोनेट एसिडअल्कली सोडियम सॉल्ट ऑफ़ फोरिक एसिड की जो ब्लड की जो पीएच है वो मेंटेन करने में हेल्प करते हैं तो ये है कंपोनेंट्स विच आर प्रेजेंट इन ए ब्लड प्लाज्मा विच मेंटेन द पीएच ऑफ आवर ब्लड टू सेवन पॉइंट फॉर तो ये हो गए प्राइमरी बफर्स मोस्ट आईएमपी आपके लिए है ये पॉइंट फॉर द एमसीक्यूज नेक्स्ट है सेकेंडरी बफर्स दीज आर प्रेजेंट इन इरिथ्रोसाइट तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्राइमरी बफर्स आर प्रेजेंट इन विच कंपोनेंट ऑफ ये ब्लड तो दे आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा प्लस उसके एग्जाम्पल जो आपको याद रखने हैं कार्बोनिक एसिड कार्बोनेट एसिड एल्क्ली सोडियम सॉल्ट ऑफ फॉस्फोरिक एसिड वगैरह एंड जो इरीथ्रोसाइट्स के अंदर जो प्रेजेंट है वो है ऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड एसिड एंड अल्कली पोटासियम सॉल्ट ऑफ़ फॉस्पोरिक एसिड तो यहाँ पे डिफरेंस देखिए कि प्राइमरी बफर्स में सोडियम सॉल्ट है फॉस्पोरिक एसिड के जबकि सेकेंडरी बफर्स के अंदर पोटासियम सॉल्ट है फॉस्पोरिक एसिड के तो ये वाली स्लाइड भी आपके लिए है मोस्ट प्राइम इम्पोर्टेंट फॉर द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस तो अब जानते हैं पेरेंट्रल प्रिपरेशंस के अंदर जो एप्लीकेशंस है कि जो पेरेंट्रल्स की जो अलग अलग पेरेंट्रल रूट से हम डिलीवर करते हैं किसी भी पेशेंट को तो ये जो पेरेंट्रल बफर्स होते हैं उनकी जो एप्लीकेशंस है कि इन केस ऑफ पेरेंट्रल प्रिपरेशंस पी एच शुड बी कंसिडर केयरफुली एज अ लार्ज डेविएशन ऑफ पी एच में लीड्स टू सीरियस कंसिक्वेंसेस कि जो भी आपका फिजियोलॉजिकल ऑर्गन है उसके रिलेटेड पीएच होनी चाहिए प्लस द आइडियल पीएच ऑफ पेरेंटल प्रोडक्ट इज 7.4 पॉइंट फोर विच इज़ द पी ऑफ ब्लड बिकॉज ब्लड की पीएच चेंज ना हो प्लस हमारे बॉडी के अंदर एसिडिटी या बेजिसिटी इंक्रीज ना हो उसके कारण जो भी जहाँ पे पेरेंटल प्रिपरेशन क्योंकि बियरेंटल प्रिपरेशन डायरेक्टली हम इस तरह से अप्लाई करते कि ज़्यादातर इंट्रावेनस इंट्रामस्क्यूलर सबक्यूटेनियस ऐसे रूट से दी जाती है और डायरेक्टली ये मेडिसिन कहाँ पे जाती है ब्लड स्ट्रीम के अंदर और ब्लड स्ट्रीम के अंदर जब ये मेडिसिन डायरेक्टली एंटर होती है तो उस वक्त उसकी जो पी एच है वो हमारे ब्लड के पी एच के साथ कंप्लीटली क्या होती होनी चाहिए मैच सो फॉर दिस रीज़न वी मैंटेन द पी एच ऑफ पेरेंटल प्रिपरेशन एट नियर बाय सेवन पॉइंट फोर और उसके लिए काम करेंगे अलग अलग बफर्स की द मोस्ट कॉमनली यूज बफर्स इन पेरेंटल प्रोडक्ट्स आर एसिटेट फॉस्फेट साइट्रेट एंड ग्लूटामेट जैसे बफर्स पेरेंट्रल प्रिपरेशन में एड किए जाते हैं टू मेंटेन द पी एच ऐसे ही एक और ऑप्शन एग्जाम्पल है वो है एप्लीकेशन ऑफ बफर्स इन ऑइंटमेंट एंड क्रीम्स की जो हमारे टॉपिकल प्रोडक्ट्स हैं कि डायरेक्टली टॉपिकली हमारे स्किन के ऊपर हमें अप्लाई करते हैं वो भी स्किन के आउटर लेयर के अंदर कि हमारी बॉडी के स्किन का जो आउटर लेयर है वहाँ पे हम ये समझो कि आपके पास कोई क्रीम है या फिर ऑइंटमेंट है लोसन है लिनीमेंट्स जितने भी एक्सटर्नल प्रिपेरेशन है से, सेमी सॉलिड या फिर लिक्विड डिजिजफॉम की तो सभी की पीएच भी हमें फिजियोलॉजिकल पीएच जो स्किन की होती है उससे साथ मैच हो ऐसे बनाते हैं कि टॉपिकल प्रिपेरेशन या प्रोडक्ट्स विच आर यूज ऑन स्किन सच एज ऑइंटमेंट एंड क्रीम्स आर ऑल्सो बफर टू एंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर फॉर्मुलेशन द स्किन सरफेस पी एच इज नॉर्मली एसिडिक एंड रेंज बिटवीन फॉर पॉइंट टू टू सिक्स पॉइंट वन वाइल द बॉडीज इंटरनल पी एच इज नियर बाय न्यूट्रल द मोस्ट कॉमनली यूज बफर्स इन ऑइंटमेंट एंड क्रीम्स आर साइट्रिक एसिड एंड इट्स सॉल्ट फॉस्पोरिक एसिड एंड इड्स सॉल्ट तो बफर्स की जरूरत है टॉपिकल प्रिपेरेशंस लाइक ऑइंटमेंट एंड क्रीम्स की जो हम डायरेक्टली स्किन के आउटर लेयर ऊपर अप्लाई करते हैं उसके बाद जो अपथाल्मिक प्रिपेरेशंस की डायरेक्टली हम ऑप्थाल्मिक मतलब कि रिलेटेड टू द आइस स्पेशली आइस के लिए जो प्रिपरेशंस डिजाइन की जाती है कि जो ऑप्थाल्मिक या फिर उसको हम ऑक्यूलर डोजिस फॉर्म भी कहते हैं ऑक्यूलर या फिर ऑप्थाल्मिक प्रिपरेशन तो बफर्स आर जनरली यूज इन ऑप्थाल्मिक प्रिपरेशंस टू मेंटेन द पीएच विद इन द फिजियोलॉजिकल पी रेंज ऑफ लैक्रीमल फ्लूड इन एग्जाम्पल आई फ्लूड की जो हमारी आँखों के अंदर जो लेक्रिमल फ्लूड होता है उसकी पी एच की जो बिटवीन होती है सेवन टू एट द लेक्रीमल फ्लूड हैज़ द पी एच इन रेंज सेवन टू एट बट इट इट हैज़ ए गुड बफरिंग कैपेसिटी लेक्रिमल फ्लूइड के पास ही बफरिंग कैपेसिटी है कि जिसके पास टॉलरेट करने की कैपेसिटी है थ्री पॉइंट फाइव से लेकर टेन पॉइंट पी एच पी एच कि कैन टॉलरेट द प्रिपेस हैविंग ए पी एच वैल्यू बिटवीन थ्री पॉइंट फाइव टू टेन पॉइंट फाइव विथ लिटल डिसकम्फर्ट इसी के कारण देखो कि जब आप आई ड्रॉप्स जब आँखों के अंदर अप्लाई करते हैं तो समटाइम्स uh, किसी ऐसे आई ड्रॉप्स होते हैं कि उससे कुछ भी इरीटेशन नहीं होता सिंपल होते हैं। कुछ आई ड्रॉप्स के अंदर सिर्फ माइल्ड आपको डिसकम्फर्ट होगा या फिर लिटल डिसकम्फर्ट होगा बिकॉज कि जो हमारा लैकलीमल फ्लूड है उस वो हमारा एक टाइप का एक्सेलेंट बफर कह सकते हैं इट ए है एक्सेलेंट और गुड बफरिंग कैपेसिटी के जो टॉलरेट कर सकता है पीएच बिटवीन 3.5 टू तो 10.5। पॉइंट बफर्स के अंदर नॉट ओनली द आई आई ड्रॉप्स बट जो ऑइंटमेंट होते हैं वो भी स्टराइल होते हैं वो भी अच्छे से मेंटेन करना जरूरी है बफर के अंदर तो आउटसाइड दिस रेंज 3.5 टू 10.5 पॉइंट फाइव इंक्रीज लेक्रीमेशन में अकर्स विथ अदर कॉम्प्लिकेशंस। अब समझो कि 3.5 से भी नीचे पीएच का आपका कोई प्रिपरेशन है या फिर 10.5 से ज़्यादा पीएच वाला है तो ऐसे कंडीशन में लेक्रीमेशन मतलब कि टीयर्स फिर ज़्यादा रिलीज़ होंगे और जिसके कारण अदर कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं बिकॉज बफर कैपेसिटी बिटवीन 3.5 पॉइंट फाइव टू टेन पॉइंट फाइव है अब समझे कि आपकी प्रिपरेशंस की पी एच उससे भी नीचे है या फिर दस पॉइंट चार से ज़्यादा है तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा इंक्रीज टीयर लेक्रिमल फ्रूड का सिक्रेशन जो है वो इंक्रीज होगा और उसके कारण अलग अलग जो कॉम्प्लिकेशन है वो पेशेंट के अंदर प्रोड्यूस हो सकते हैं सो द बफरिंग एजेंट्स मोस्ट कॉमनली यूज इन ऑपथाल्मिक प्रिपरेशन इंक्लूड द बोरेट कार्बोनेट एंड फॉस्फेट की जो काफ़ी ज़रूरी बन जाते हैं इस टाइप की ऑपथाल्मिक प्रिपरेशन की जो ऑइंटमेंट्स है या फिर आई ड्रॉप्स वगैरह है So, this important question applications of buffers in, op, uh, in pharmaceuticals and also about the buffer capacity and its formula. So, message to join our WhatsApp group, send your name, city name, and WhatsApp on 9426180836 Also, subscribe the channel and press on the bell icon and never miss any video of PharmaRox. PharmaRox study material, video lecture, test series. वगैरह आपको फार्मारॉक्स की ऐप ऊपर से मिल जाएंगे तो अभी डाउनलोड करिए ऐप फार्मोरॉक्स एंड्रॉयड ऐप ऑन गूगल प्ले एज़ वेल एज़ एफल आईफन ऐप ऑन एप स्टोर तो अब गूगल प्ले एज़ वेल एज़ ऐप स्टोर दोनों के ऊपर आपको ऐप मिल जाएगी तो गेट द लिंक इन ए डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड गेट द स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज वीडियो लेक्चर एंड स्टडी मटेरियल विच आर अवेलेबल टॉपिक वाइज ऑन दिस application. So good luck and all the best.